हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एपिसोड 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मौर्य डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे, अशोका आज हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, कैसे राइज हुआ था मौर्य डायनेस्टी का। आज हम आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, रेवेन्यू, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर वगैरह सबका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे सभी एनसीईआरटी विषयों के लिए टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं अशोका की। लेट अस टॉक अबाउट अर्ली लाइफ ऑफ अशोका। बिंदुसारा के बेटे थे ये और चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उनके बेटे बिंदुसारा, फिर उनके बेटे अशोका। अशोका चंद्र बिंदुसारा के बेटे देवम प्रिय भी इनको कहते थे। देवम प्रिय का मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड्स, भगवान को प्यारा। पियादासी भी कहते थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्परर। 304 BC में जन्म हुआ था इनका। 268 BC से 232 BC तक इनका रूल रहा, राज किया इन्होंने, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अशोका का अगर साम्राज्य की बात करूं, इफ़ यू टॉक अबाउट अशोकाज एम्पायर, इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू बांग्लादेश इन द ईस्ट। ये देखिए, अफगानिस्तान तक इन्होंने कवर कर रखा है। पाकिस्तान तो आ ही गया, अफगानिस्तान भी आ गया और बंगाल भी आ गया है, बांग्लादेश भी आ गया था। होल इंडियन कॉन्टिनेंट इनके कवर्ड हो गया था, लेकिन केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका नहीं हुआ था। केरला, तमिलनाडु और आज का मैं केरला तमिलनाडु की बात करूं और श्रीलंका ये कवर नहीं कर पाए थे। डेक्कन में अशोका नहीं जा पाए थे, उसकी वजह थी और उसकी वजह बताऊंगा मैं आपको। अब ये समझिए कि हमें अशोका के बारे में पता कहाँ चलता है। इसके कुछ लिटरली सोर्सेज भी हैं, अशोका के एडिक्ट भी हैं। तो देश भर में, नेपाल और पाकिस्तान तक में अशोका के एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट। रॉक्स पे इंस्क्रिप्शन लिखा है किस तरीके से अशोका काम करते थे, या अशोका को क्या प्यारा था, या कैसा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का उस समय था। बिंदुसारा के बेटे अशोका थे, लेकिन सबसे एल्डेस्ट तो नहीं थे। होता क्या है कि उस टाइम पे जो सबसे बड़ा बेटा है उसको गद्दी पे बैठाते हैं, राजतिलक उसका होता है, पर अशोका एल्डेस्ट नहीं थे। और कहा जाता है अशोका ने अपने बहुत सारे भाइयों को मार के गद्दी संभाली थी। बिंदुसारा भी चाहते थे कि उनके बेटे सुशीमा जो है बने, लेकिन बात यही है कि भाइयों में लड़ाई हो गई तो अशोका जीत गए उसमें। और जीते क्यों? क्योंकि ही वॉज ट्रेंड इन मिलिट्री एंड वीपन्स। ही ऑल्सो हैड ग्रेट स्किल्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। पहले वो गवर्नर रह चुके थे उज्जैन के, तो वहीं से भी ही गेंड कंसिडरेबल एक्सपीरियंस। युद्ध हुआ कलिंगा का 265 BC में, अशोका ने लड़ा। इनकी ज़िंदगी की ये लास्ट बैटल था। अशोका ने बहुत तो इसमें जाने गंवाते हुए देखी और इनकी तरफ से भी बहुत सैनिक मरे, कई शहर के शहर डिस्ट्रॉय हो गए, लाखों के लाखों लोग जो हैं यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। हालांकि जीत गए थे, कलिंगा हार गए थे। बात यह है कि जीतने के बाद इनको लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीत के मैंने क्या उखाड़ लिया, मैंने कितना अचीव कर लिया। तो एक दया भाव, करुणा की जो इनके अंदर एक भावना निकल के आई, उससे ही टर्न्ड टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की तरफ मुड़ना उनका हो गया। कलिंगा वार के बारे में हमें अशोका के 13th एडिक्ट के में पता चलता है। करुणा के भाव से जो इनका एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई, उसको कहते हैं धर्म शोक, धर्म अशोक। पहले चंदा अशोक कहते थे। बेसिकली चंदा अशोक इसलिए कहते थे क्योंकि ही वॉज वेरी क्रूल इनिशियली। वे क्या करते थे कि काफ़ी बैड टाइम पड़ते, गुस्से में बहुत रहते थे अशोका, और मतलब इतना नहीं था कि दया भाव नहीं रखते थे। इतने लगा कलिंगा वार के बाद में इनकी पर्सनैलिटी में वाकई में काया पलट हुई। नाउ ही कॉल्ड एज धम अशोका, इनिशियली ही वॉज कॉल्ड एज चंद्रशोका। अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन 263 BC।
इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल मोगली पुत्ता तिस्सा वॉज देयर. मोगली पुत्ता तिस्सा एक बुद्धिस्ट मोंक थे. उन्होंने ही अशोका को गहन शिक्षा दी थी इस विषय में. अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाया पाटलिपुत्र में 250 BC में. और जैसा नेचुरल है कि जिनकी शिक्षा जिनसे शिक्षा इन्हें प्राप्त हुई मोगली पुत्ता तिस्सा वे ही प्रेसिडेंट बने इस बुद्धिस्ट काउंसिल के. सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंट इन पाटलिपुत्र एट पाटलिपुत्र इन 250 BC अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगली पुत्र तिस्सा. यू हैव टू रिमेंबर दैट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ज्योग्राफी. सी यू कैन एनालाइज द कॉन्क्वायर्ड एरिया बाय डिफरेंट डायनेस्टीज. सी हेयर इट इज मगध. मगध इनिशियली ऐसा था. नाउ इट इज़ द एम्पायर ऑफ नंदा डायनेस्टी. नंदा डायनेस्टी का ये पूरा इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया था. नाउ वी हैव ये आपका मौर्य एम्पायर खड़ा हुआ था. बेस अगर मैं बोलूँ इसको ठीक है, फॉर्मेशन ऐसे हुआ था. चंद्रगुप्त मौर्य इनको यहाँ तक ले गए, बिंदुसारा और बड़ा बना दिया. और अशोका ने तो इसको पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर दिया. मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है एक अपना एक्सपेंशन किया. आप देख सकते हैं कि अशोका के टाइम पे जो है इन्होंने उड़ीसा में कलिंगा को भी जो है कॉन्क्वायर कर लिया था. ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये बिंदुसारा, ये अशोका का मैप है ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि अशोका ने बाकी बचे कुछ एरिया भी कवर कर लिया. और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अफगानिस्तान विजय प्राप्त की ही थी. तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर इनका पूरा साम्राज्य खत्म हुआ. परंतु जैसा कि मैंने कहा कि 13th एडिक्ट से हमें पता चलता है कि अशोका ने कलिंगा वार के बाद बुद्धिज्म को वो थोड़े से समर्पित हो गए थे. ही टर्न टू बुद्धिज्म देन. अब ये एडिक्ट्स के जगह आप याद रखिएगा, मेजर माइनर पिलर एडिक्ट कौन से वो भी थोड़ा नज़र में अगर रहे आपके, बार बार देख लीजिएगा, रिविज़न करेंगे तो दिमाग में छप जाएगा, काफ़ी मददगार साबित होगा परीक्षा में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अशोकाज धम्मा. कई सारे एडिक्ट्स में अशोका का धम्मा मेंशन है. धम्मा मतलब प्रिंसिपल्स, रूल्स विच शुड बी ऑब्जर्व्ड इन वंस लाइफ ड्यूरिंग मौर्याज रूल. पहला, सर्विस टू फादर एंड मदर. माता पिता की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, अहिंसा को अपनाइए, लव ऑफ ट्रुथ, इन सब की बातें इन्होंने की. एनिमल सेक्रीफाइसेस को रोकने की बातें की, स्लॉटर को रोकने की इन्होंने शुरुआत की. एक साथ किसी रिचुअल, किसी यज्ञ या किसी कह सकते हो आप मीनिंगलेस रिचुअल्स में इन्होंने जो है आप पार्टिसिपेट करवाना बंद कर दिया. सर्वेंट्स को ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इंसानियत के तौर पे उनको रखा जाएगा. सरकार भी जो कैदी होंगे, प्रिजनर्स होंगे, उनके साथ बर्ताव अच्छा करेगी. ब्राह्मण्स के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाएगा. और साथ ही साथ जितने भी धर्म होंगे उनके साथ सहिष्णुता बरती जाएगी. दे विल बी टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल रिलीजियस सेक्ट्स. दे विल बी लिबर्टी टू ऑल रिलीजियस सेक्ट्स. नाउ वी शुड परसू धम्मा इंस्टेड ऑफ वार. एंड दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट धम्मा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अशोका. युद्ध की जगह अब हम धम्म अपनाएंगे. मैं एक बात बता देता हूँ, देखो बुद्धिज्म की तरफ बढ़ गए थे अशोका, बट अशोका का धम्मा बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं था. ये बात को थोड़ा समझना, बुद्धिज्म का ही एक पार्ट नहीं था, इन्फ्लुएंस्ड था, इंस्पायर्ड था, बट इट वॉज नॉट प्योरली कनेक्टेड विद बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के साथ पूर्णतया जुड़ा हुआ नहीं था ये. कंधार इंस्क्रिप्शन बात करता है किस तरीके से इनकी धम्मा की बातों से, रूल से प्रभावित होकर हंटर्स और फिशरमैन तक हंटिंग और किलिंग छोड़ दिए थे और खेती को अपनाने लग गए थे. कंधार इंस्क्रिप्शन स्पीक्स ऑफ सक्सेस ऑफ हिज पॉलिसीज एज हंटर्स एंड फिशरमैन गेव अप द हंटिंग एंड किलिंग एंड बिगेन प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर. आइए प्रशासन की बात करते हैं. लेटेस्ट टॉक अबाउट मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कैसी थी. मौर्य का प्रशासन हाईली सेंट्रलाइज था, केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा था. द किंग वॉज द सुप्रीम पावर एंड सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी. द ऑल पावर्स वॉज वेस्टेड इन किंग. ही वॉज असिस्टेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज कॉल्ड एज मंत्रिपरिषद. मंत्रिपरिषद कहा करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और मिनिस्टर्स को मंत्री ही कहा करते थे. द मिनिस्टर्स वॉज कॉल्ड एज मंत्री. काउंसिल को मंत्रिपरिषद अध्यक्ष हेड करते थे, जो आज के प्रधानमंत्री हैं आपके. आज के काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री हेड करते हैं.
वैसे ही उस टाइम के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के द काउंसिल वॉज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विच इज कॉल्ड एज मंत्रिपरिषद अध्यक्ष. अध्यक्ष इज ए हिंदी वर्ड विच यूजली लिसन अध्यक्ष चेयरमैन. ओके, तो अध्यक्ष मंत्रिपरिषद अध्यक्ष उसके चेयरमैन हेड होते थे काउंसिल मिनिस्टर के अशोका के मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के. तीर्थ क्या थे? तीर्थ बेसिकली तीर्थ जो थे वो हाई कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स थे. 18 तीर्थ माने जाते हैं प्रशासन के में मौर्य एम्पायर में. कुछ आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं. नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू सम ऑफिशियल्स हियर, द नेम ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द डिस्क्रिप्शन अबाउट देम. अध्यक्ष, अध्यक्ष वो थे बेसिकली जो तीर्थ के रैंक, तीर्थ के नीचे उनकी रैंक आती थी. और 20 अध्यक्ष होते थे अलग अलग तरह के, कोई किसी चीज़ का अध्यक्ष, कोई किसी फंक्शन का अध्यक्ष, कोई किसी का क्या डिपार्टमेंट. महामताज देवर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, अमत्या हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स. आप जैसे आजकल देखते हैं जिस तरीके से आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं प्रशासनिक सेवा में, जो अधिकारी होते हैं सेक्रेटरीज वगैरह अमत्याज होते थे उस टाइम के. अध्यक्ष सेक्रेटरियट में जो है चेंज होता था और उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स आते थे. कई सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर कौन होता था? द सेक्रेटरियट वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी डिपार्टमेंट्स एंड द डिपार्टमेंट्स वर यूनाइटेड इंटू अ सेक्रेटरियट विच वॉज कॉल्ड एज अध्यक्षास. ठीक है, अर्थशास्त्र मैंशनड अबाउट अध्यक्षास फॉर कॉमर्स. मैंने कहा ना कि हर तरह के अध्यक्ष होते थे. कॉमर्स का अलग अध्यक्ष होता था, स्टोर हाउस का अध्यक्ष अलग अध्यक्ष होता था. जैसे आजकल नहीं होते क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेक्रेटरी अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का अलग है. तो वैसे जो डिपार्टमेंट्स होते थे जो यहाँ पे तरह तरह के आप देख सकते हैं उनके अध्यक्ष होते थे सेपरेट. युक्ता कौन होते थे? किंग के रेवेन्यू के लिए सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स होते थे. राजू का संस्था अध्यक्ष, ये लिस्ट आपके सामने दे रखी है. लोहाध्यक्ष, आयरन, नाव, शिप्स, ये तो आप अगर आप हिंदी जानते हैं थोड़ी बहुत, इफ़ यू नो हिंदी वेरी वेल देन यू कैन ईजिली लर्न देम. क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से नाम के साथ इनका डिस्क्रिप्शन जुड़ा हुआ है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दैन बाय रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. स्थानीय प्रशासन की हम बात करते हैं. सबसे छोटी इकाई प्रशासन की गाँव थी. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज. विलेज का हेड कौन होता था? क्रामिकाज. बहुत ऑटोनॉमी होती थी इनको, एक तरीके से रूल बहुत अच्छे से, रूलिंग पावर इनके पास अच्छी होती थी, पूरा ऑटोनॉमस होता था. प्रदेशिका वो थी प्रोविंशियल गवर्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. आज के जो डीएम होते हैं वो प्रदेशिका कहते थे उनको. स्थानिका क्या होता था? ये मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना. अब तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते थे, अमत्याज अध्यक्ष का अध्यक्ष, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. प्रदेशिका, स्थानिका, दुर्गपाल, अंतपाल, अक्षपाल, लिपिकार्स, दे आर इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू शुड रिमेंबर दैट. कमांडर इन चीफ ऑफ द एंटायर मिलिट्री वॉज कॉल्ड एज सेनापति. सेनापति तो आप देखोगे कि वैदिक एज से ही सेनापति का चलन है. क्योंकि देखो वैदिक एज में सेनापति जो है था, ठीक है, और अब तक सेनापति की इंपोर्टेंस बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है और किंग के करीब ये पहुँच गए हैं. पहले पुरोहित होते थे. ये चेंजेस आपने महसूस किए वीडियोस में जब मैंने बताया कि पुरोहित किस तरीके से राजा का फिलोसोफर होता था इन द वैदिक एज. नाउ इट्स पोजीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सेनापति. सेनापति वाज अपॉइंटेड बाय किंग. राजा अपॉइंट करता था सेनापति को. मिलिट्री डिवाइडेड थी 5 सेक्टर में. इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट फोर्सेस, नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस. आर्मी की सैलरी को कैश दिया जाता था, रोकड़ा दिया जाता था. द आर्मी सैलरी वॉज पेड इन कैश. रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चीफ समर्थ कहलाता था और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था सनिधाता, वो ट्रेजर था, यानी ये तिजोरी की रक्षा करता था. समहर्ता टैक्स लेने का काम करता था. इफ आई कैन सिंप्लीफाई दिस, रेवेन्यू हर तरीके से कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, तभी इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन हो पाती थी. एंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड ऑन लैंड, इरीगेशन, शॉप्स, कस्टम्स, फॉरेस्ट, फेरी, माइंस, पास्चर्स. ये कुछ सेक्टर ऐसे थे जिन पर पूरी तरीके से सरकार की मोनोपोली थी. और अगर फिर भी थोड़ी बहुत अलाउ कर, मतलब रेवेन्यू बहुत अच्छा आता था इनसे, बाकी चीज़ों में भी टैक्स होता था. जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ लेकिन मुझे याद आ रहा है सेतु बंधु, शायद मुझे जहाँ तक पता है वाटर टैक्स होता था. इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी एग्रीकल्चरिस्ट्स को एंड द गवर्नमेंट चार्ज वाटर टैक्स ऑन इट. लैंड रेवेन्यू 1/6 होता था नॉर्मली. तो पैसा जितना हो सकता था उतना बटोरने की कोशिश करते थे ये. और आप देखोगे कि इतनी बड़ी आर्मी इसकी वजह से ही संभली थी.
हर सेंटर की एक पुलिस हेडक्वार्टर होता था। जेल को बंद घर कहते थे, लॉकअप को चराका कहते थे। जेल हो गई, उसके अंदर की जो कैद कर जो प्रिजनर होते थे, प्रिजनर जहाँ रखे जाते थे, चरक कहते थे। चरक याद रखना इसे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एस्पियोनेज सिस्टम, जो जासूसी का पूरा क्रिया, जो पूरी प्रक्रिया चलती थी मौर्या में, वो वेल डेवलप्ड थी। मतलब ऐसी प्रक्रिया आपको कहीं मिलेगी नहीं। स्पाइस जासूस इस तरीके से थे कि दो तरह से होते थे, संस्थान और संचारी। संस्थान वॉज इन स्टेशनरी एंड संचारी वॉज वंडरर। एक जगह रह के जासूसी करने वाले, एक ही स्थान को पूरी तरीके से नापने वाले संस्थान होते थे, और जगह जगह घूम के जासूसी करने वाले, इन्फॉर्मेशन को लाने वाले संचारी कहलाते थे। गुद पुरुष वर दी डिटेक्टिव्स, सीक्रेट एजेंट, ये गुद पुरुष कहते थे इनको। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, स्पाइस को गुद पुरुष कहते थे। गुद पुरुष दो तरह के होते थे, संस्थान और संचारी। अच्छा, इनको कंट्रोल करता था कौन? करता था कंट्रोल कोई तो करता ही होगा ना। तो महामत्य सर्पा इनका कंट्रोलर था, इनको ऊपर, इनके ऊपर जो है इनको एडमिनिस्टर करता था। और ये एजेंट्स ऐसा नहीं था कि डिफरेंट एक ही सोसाइटी से ले जाते थे, डिफरेंट सेगमेंट से लेते थे सोसाइटी के। बिलीव आप ये नहीं करेंगे कि उस टाइम जो वुमेन होती थी मौर्य की, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी जासूस बनाया जाता था, इतनी इंपॉर्टेंस थी मौर्य एज में। हालांकि वुमेन जो थी वो कभी भी मैन के बराबर नहीं आ पाई इतिहास में, पर मौर्य एम्पायर में वाकई में वुमेन को काफ़ी अच्छा दर्जा दिया गया। द वुमेन्स पोजिशन वॉज इंक्रीज इन मौर्याज टाइम। विषकन्याओं को कहा जाता था, दी एजेंट्स वो कोल्ड एज विषकन्या, पॉइजनस गर्ल। सो यू कैन सी दैट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फिक्स्ड द विड्थ ऑफ चैरियट्स, कैटल, ट्रैक्स एंड पेडेस्ट्रियंस। मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता था इनका, वो फिक्स करता था कि एक रथ कितना बड़ा होगा, गधा गाड़ी कितनी बड़ी होगी, कैटल ट्रैक्स कितने बड़े होंगे। ये बिल्कुल आज के ही प्रशासन से मिलता जुलता। जैसे आप पता होगा, हर आजकल जो हर गाड़ी होती है, हर कंपनी के पास एक कोटा होता है कि वो इतनी हाइट की गाड़ी और इतनी विड्थ की गाड़ी ही बना सकती है। हर कंपनी के पास एक कोटा होता है, अगर आपको पता होगा तो, कि ये कंपनी जो है इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची गाड़ी ही बना सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। तो उसके सरकार उसका भी कुछ फी चार्जेस वगैरह लगते हैं, लेकिन इस तरीके से वहाँ पे मौर्य प्रशासन में ऐसा होता था। अब अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ, कला और कला की बात करूँ, तो यहाँ पे मोनूमेंट्स काफ़ी अच्छे बने और पत्थर का प्रयोग काफ़ी अच्छा था। यूज़ ऑफ स्टोन टू मेक मोनूमेंट्स स्टार्टेड इन टाइम ऑफ अशोका। हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक, एक पत्थर से बना हुआ, एक ही पत्थर में ही पूरा जो पिलर बना दिया, पॉलिश्ड थी। सरनाथ पिलर तो फेमस है ही, बार बार हिल्स और बंट ब्रिक का भी इस्तेमाल करने लगे। और रिंग वेल्स, इसको मत भूलना, पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, नहीं देखो रिंग वेल्स तो आए, रिंग वेल्स तो यूज़ में आने लग गए थे। रिंग वेल्स आपको पता है कि जब मैं बताता था हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में, पढ़ाया था मैंने, तो मैं बताता था घरों में प्राइवेट जो है बाथरूम्स होते थे, और प्राइवेट बाथरूम्स में प्राइवेट वेल्स भी होते थे। ऐसे मौर्य टाइम में ये वेल शुरू होने लग गए, और स्पोक्ड व्हील भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद पहली बार मौर्य में शुरू हुआ था। तो आप कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है चरम, जो चीज़ें थी वो चरम सीमा उसकी मौर्य टाइम में जाके पहुंची थी, जब आयरन प्लक का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ऐसे तो मगध जब राइज हुआ था तभी हो गया था अच्छे से, मतलब जब बिम्बिसार हरंगा डायनेस्टी आई, मतलब उसके बाद में हो गया था हरंगा डायनेस्टी आसपास, लेकिन अभी ये बिल्कुल पीक लेवल पे था। पोट्री के एविडेंस थी, ट्रेड अच्छा होता था, पंचमार्ट कॉइंस थे, कॉइंस के बारे में भी कभी बताऊंगा। मौर्य जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टील का आर्ट जानते थे बनाना, कॉइन्स के बारे में भी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा कभी। कॉजेस क्या थे कि मौर्य एम्पायर फॉल क्यों हुआ, आखिर वजह क्या थी कि इतना ताकतवर होते हुए भी हाउ इट कैन फॉल, व्हाट आर दी कॉजेस बिहाइंड इट। देखो अशोका की बुद्धिस्ट पॉलिसी, एक तो याद रखना कि मारा किसने, अशोका का लास्ट जो अगर मैं बोलूँ किंग एम्परर बृहद्रथा नाम था उसका, ही वॉज कोल्ड एज बृहद्रथा, ही वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा एक ब्राह्मण था, उसने इसका मर्डर कर दिया था बृहद्रथा का, पब्लिकली कर दिया था, और ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया था, ब्राह्मणिज्म को पीक पे ले आए थे पुष्यमित्र सुंगा। वजह यह हो सकती है कि बुद्धिस्ट अशोका की जो प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज थी, इससे ब्राह्मण नाराज हो गए थे। पुष्यमित्र सुंगा ब्राह्मण होने के मुहूर्त थे, तो इस वजह से हो सकता है उन्हें थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा, एक वजह यही थी। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अशोका के बाद कुछ खास सक्सेसर आए नहीं,
अशोका के बाद वेस्टर्न एम्पायर और ईस्टर्न एम्पायर में बट गया था वो। वेस्टर्न एम्पायर तो अच्छे संभाल लिया, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर जो था थोड़ा सा वो संभल नहीं पाया। आयरन का उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गया था, इससे प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ने लगा था। और प्रोडक्शन के बढ़ने के बाद नए नए किंगडम्स जो हैं आने लग गए थे, इसलिए मौर्य थोड़ा सेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा ध्यान देते थे। आप पूछोगे इतना केंद्रीकरण, इतना सेंट्रलाइजेशन क्यों था मौर्य पीरियड में? उसकी वजह ये थी कि इतने सारी जो किंगडम से निकल के उनको संभालना बहुत मुश्किल था। हालांकि इसका डिसएडवांटेज है, कभी ना कभी तो वो एनार्की फैलाएंगे ही, कभी कभी तो वो निकल के आएंगे ही, बार बार ऐसा ही हुआ। चाइना ने तो ग्रेट वॉल बना दी थी, लेकिन अशोका ने ऐसा कुछ नहीं किया, मौर्यज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया बाहर के जो इन्वेडर्स हैं उनको रोकने के लिए। तो प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी इन्वेडर्स को रोका नहीं, और पार्टीशन हो गया एम्पायर का, वीक रूलर्स और प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज, रिवोल्यूशन बाय पुष्यमित्र शुंगा, दे आर द मेन कॉसेस बिहाइंड द फॉल ऑफ मौर्य डायनास्टी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मौर्य डायनास्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कल मिलते हैं। जय हिंद, गुड बाय, लव यू ऑल।